बच्चों, ईच मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग। दो आदमी है, वो स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को खींच रहे हैं और वो कांस्टेंट स्पीड से इधर पुल कर रहे हैं। इसकी स्पीड भी है और इसकी भी स्पीड भी है। तो ब्लॉक ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है। जो वर्टिकल से ये एंगल है वो वेरिएबल एंगल है, तो किसी इंस्टेंट थीटा होगा, तो उस इंस्टेंट हमें स्पीड ब्लॉक की निकालनी है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बेसिकली ऊपर जा रहा है, एक स्ट्रिंग इधर है, तो यहाँ से ये स्पीड v है और इसकी भी स्पीड v है। हमको पता है कॉन्सेप्ट कि स्ट्रिंग के एलोंग, रोप के एलोंग जो स्पीड है वो सेम रहती है, तो ये एंगल कितना है वर्टिकल से थीटा। तो किसी भी इंस्टेंट जो थीटा है, थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो ये ब्लॉक का मास वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, उसको मैं यू कंसिडर कर लेता हूँ। तो हम सबको पता है स्ट्रिंग के लॉन्ग या रोप के लॉन्ग जो भी वेलोसिटी, जो भी स्पीड आती है वो सेम होती है। तो इस यू के कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा जो होगा यू साइन थीटा। क्लियर है? तो अब हम सबको पता है कि ये रोप है और ऐसे पास हो रही है, यहाँ पे पुली लग गया और इसकी स्पीड भी इधर है और एक है यू कॉस थीटा इधर जा रहा है। तो ये वाली जो स्पीड है u cos थीटा वो v के इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रिंग और रोप के एलोंग जो ग्लास जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, इसको याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो v मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा, तो ब्लॉक की स्पीड जो आ जाएगी v अपॉन cos थीटा, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। किसी इंस्टेंट जिस एंगल, जब जिस इंस्टेंट थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो जब ये थीटा होगा उस